वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज बड़ा ही सुभाग भरिया दिन है कि जिथे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 21 दिन विश्राम किया, 21 रहे दिन लंबे, ये वो स्थान है अंदरला दमदमा साहब गुरद्वारा जिथे गुरु साहब 21 दिन रात के समय से विश्राम करते। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की है कि इस नगर से जिथे इन्ना समा दिता, उसे इस नगर की समुची संगत इतों की कमेटी ने जिन्होंने पिछले दिनों ये जरा गुरु घर है वो बहुत सुंदर इमारत बनाई, जिथे नगर के वालों के बाद संगत के वालों सहयोग किया गया। सो हूँ जरा नवा बरांडा बनाऊ का जरा अज का अज नींह पत्थर रखना जी, उस नींह पत्थर रखने तो पहला खुदाई के समय च गुरु ने कृपा की है, सरपंच साहब ने जो ये जिक्र किया कि उदो खजाना लभा, गुरु की बड़ी कृपा हुई, बड़ी इस गल की खुशी है संगत के अंदर। तो ये प्रबंधकी कमेटी वालों सारे संतमस पिंड के सरपंच होर सारे खड़े ने, इन्होंने यह फैसला किया कि यह जो खजाना वा यू इस तरह ही रखा जाऊ तो संगत के दर्शन वास्ते, क्योंकि गुरु ने जी सू जिमें कहते हैं ना भी गफे दिते ने खुले वो अच्छ दर्शन वास्ते रखे आ, ना ही जरा उद्घाटन होया तो आप लोग सबू दर्शन कराने कि पुराने समया के ये सिक्के ने जिद सोने का एक सिक्का तो बाकी काफ़ी वड्डी गिणती में जोड़े आ चांदी के सिक्के ने, तो ये नगर ने ते समुची कमेटी ने यह अच्छ संगत दर्शन कराए जे हमने जेने कहते खजाना बख्शा। सो ये पुरातन सिक्के इतने जोड़े आ इस निकले ने उन्होंने संगत के दर्शन वास्ते रखा गया, तो यह भी फैसला होया कि इन्हों इस तरह ही रखा जाऊगा, ये जोड़े भावें सोना तो भावें चांदी आ इनू असी इस तरह शीशे बढ़ा के रखा, क्योंकि साढ़े इस गुरद्वारे की पुरातन यादगार संबंधित। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज बड़ा ही सुभाग भरिया दिन है कि जिथे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 21 दिन विश्राम किया, 21 रहे दिन लंबे, ये वो स्थान है अंदरला दमदमा साहब गुरद्वारा जिथे गुरु साहब 21 दिन रात के समय से विश्राम करते। गुरु साहब ने बड़ी कृपा की है कि इस नगर से जिथे इन्ना समा दिता, उसे इस नगर की समुची संगत इतों की कमेटी ने जिन्होंने पिछले दिनों ये जरा गुरु घर है वो बहुत सुंदर इमारत बनाई, जिथे नगर के वालों के बाद संगत के वालों सहयोग किया गया। सो हूँ जरा नवा बरांडा बनाऊ का जरा अज का अज नींह पत्थर रखना जी, उस नींह पत्थर रखने तो पहला खुदाई के समय च गुरु ने कृपा की है, सरपंच साहब ने जो ये जिक्र किया कि उदो खजाना लभा, गुरु की बड़ी कृपा हुई, बड़ी इस गल की खुशी है संगत के अंदर। तो ये प्रबंधकी कमेटी वालों सारे संतमस पिंड के सरपंच होर सारे खड़े ने, इन्होंने यह फैसला किया कि यह जो खजाना वा यू इस तरह ही रखा जाऊ तो संगत के दर्शन वास्ते, क्योंकि गुरु ने जी सू जिमें कहते हैं ना भी गफे दिते ने खुले वो अच्छ दर्शन वास्ते रखे आ, ना ही जरा उद्घाटन होया तो आप लोग सबू दर्शन कराने कि पुराने समया के ये सिक्के ने जिद सोने का एक सिक्का तो बाकी काफ़ी वड्डी गिणती में जोड़े आ चांदी के सिक्के ने, तो ये नगर ने ते समुची कमेटी ने यह अच्छ संगत दर्शन कराए जे हमने जेने कहते खजाना बख्शा। सो ये पुरातन सिक्के इतने जोड़े आ इस निकले ने उन्होंने संगत के दर्शन वास्ते रखा गया, तो यह भी फैसला होया कि इन्हों इस तरह ही रखा जाऊगा, ये जोड़े भावें सोना तो भावें चांदी आ इनू असी इस तरह शीशे बढ़ा के रखा, क्योंकि साढ़े इस गुरद्वारे की पुरातन यादगार संबंधित। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।